हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ के साइंस के जो चैप्टर टू है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जो है वो मॉइस्चर फ्री, इनके ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर का मतलब जहां पे पानी जो है वो ना हो, क्यों रखा जाता है, इसका हमारे को रीजन बताना है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो है जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? आपने जो सीमेंट जब वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से पत्थर बन जाती है, बिल्कुल सॉलिड हो जाती है। उसी तरीके से जो POP होता है वो भी वाटर के कांटेक्ट में आने से जिप्सम बन जाती है। जिप्सम क्या है? पत्थर ही तो है, स्टोन ही तो है, तो जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर फ्री कोई कंटेनर होता है जिसके अंदर मॉइस्चर ना चला जाए, पानी ना चला जाए, ऐसे कंटेनर के अंदर POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखा जाता है, ताकि जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आकर और जिप्सम के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। याद कैसे रखेंगे? जैसे सीमेंट जो होती है वाटर के कांटेक्ट में आने से जब वो सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, पत्थर के तरह हो जाती है, स्टोन की तरह हो जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा POP को यूज़ कैसे करते हैं, पाउडर होता है, POP को यूज कैसे करते हैं, पाउडर होता है POP, उसके अंदर हम वाटर एड ऑन करते हैं, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके, और जैसे मान लो मेरा हाथ यहाँ से टूट गया तो पहले उस हड्डी को जो है सेट करेंगे, फिर उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे, और फिर उसके ऊपर ये जो POP होता है उसका एक लेप कर देंगे इस प्रकार से चारों तरफ से, थोड़ी देर उसको सूखने देंगे। सूखने के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। तो अगर बाहर से कोई थोड़ी बहुत अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो हम POP का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने POP का यूज़ समझ लिया कैसे करते हैं, जब कोई हड्डी ब्रेकडाउन हो जाती है, जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको सेट करके उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर बांधा जाता है, उसको ही उसके अंदर जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तब इस तो हम उसको बोलते हैं प्लास्टर किया हुआ है, पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वो पाउडर होता है, उसको वाटर के अंदर एड ऑन करके मिक्स करके और फिर उसको ऐसे लगा लेते हैं ताकि वो बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाता है। आंसर कैसे लिखना है, ये यहां पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP इज केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि CaSO4.5H2O, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, यानी कि हाफ H2O। तो इसको भी आप याद रखना, CaSO4.5H2O, यानी कि सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट सेट इनटू ए हार्ड सॉलिड मास, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है और जब सूख जाता है तो ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है, कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम क्या है, पत्थर ही तो है, तो जिप्सम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब रिएक्शन कैसे होती है वाटर के साथ, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि CaSO4.5H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H2O के साथ रिएक्शन करके, और CaSO4.2H2O, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है जिप्सम का फॉर्मूला है, यानी कि ये जो है POP जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है,
जैसे जो पत्थर होता है ना बिल्कुल हार्ड होता है उसकी तरीके से जो है हार्ड सब्सटेंस होता है। याद कैसे रखेंगे, जो सीमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीमेंट को कभी भी आप जो है बारिश के अंदर नहीं रखते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ रखते हैं ताकि उसके जो है वो छींटे भी ना लग जाए पानी के, क्योंकि अगर उसके छींटे भी लगे तो जो है वो खराब हो जाती है, हार्ड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस पीओपी मस्ट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसलिए हमारे को जो कंटेनर यूज करना है पीओपी के लिए वो ऐसे यूज करना है जो कि मॉइस्चर फ्री हो, उनके अंदर मॉइस्चर ना पहुंच जाए। अगर मॉइस्चर पहुंच गया तो वाटर से कॉन्टैक्ट करके और जिप्सम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक हार्ड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप उसका यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसको अब पानी के अंदर डालेंगे तो अब वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब वो जो है वो पत्थर बन गया, जिप्सम बन गया। जैसे अगर आप एक बार अगर कोई सीमेंट का बोरा है उसके ऊपर आप पानी डाल दो, अब उसको सूखने दो, अब जो है वो बिल्कुल हार्ड बन गया। अगर अब आप उसको पानी के अंदर भी डालोगे तो अब वो वापस से सीमेंट नहीं बनने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग ही बना रहेगा। उसी तरीके से जो पीओपी है, एक बार अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में आ गया, एक बार जिप्सम बना लिया, तो वापस से आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पीओपी जो है उसको मॉइस्चर फ्री जो कंटेनर होता है जिसके अंदर मॉइस्चर पहुंच ही ना पाए, ऐसे कंटेनर का हम यूज कर सकते हैं। तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि पीओपी जो है, की पॉइंट क्या है, पीओपी जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और जिप्सम बना लेता है, जिप्सम बना लेता है जो कि क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये जो रिएक्शन है ये भी आप याद रख सकते हैं, ये लिख देंगे तो आप कैसे मान लो कि फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी ना याद आए तो इतना तो लिखना ही है कि जो पीओपी जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इतना तो लिखना ही है। अगर फुल मार्क्स से है तो आपको ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होगा, CSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होगा, जिप्सम का फॉर्मूला CSO4.2H2O ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप नोट डाउन कर लो, 8696608541। इस पे आप मेरे को WhatsApp पे मैसेज करके अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए नोट्स WhatsApp पे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं WhatsApp पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके आप हमारे को पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।